कल हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के अलावा बीड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा भी आया। यहां एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे ने यहां से करीब 7 लाख वोटों की जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया। बीड लोकसभा सीट गोपीनाथ मुंडे के निधन से खाली हुई थी। कौन कहता है कि लोकतंत्र सिर्फ आंकड़ों से चलता है। एक आंकड़ा जो अब आया है वो बताता है कि लोकतंत्र की नैया जब भावनाओं के भवसागर में बहती है तो आंकड़े छोटे पड़ जाते हैं। गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में जनता की अपने नेता के लिए श्रद्धांजलि कितनी बड़ी हो सकती है। प्रीतम ने लोकसभा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। हम इस वक्त है पंकजा मुंडे के घर के बाहर। यहाँ पर पूरा नजारा उत्साह है, लेकिन वहां पर देखा गया है तो एक भावना का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर प्रीतम मुंडे जो है, प्रीतम मुंडे लोगों को अभिवादन कर रहे हैं, उनके साथ उनका बेटा भी है। बीड लोकसभा उपचुनाव में प्रीतम ने कांग्रेस के अशोक राव पाटिल को 6,96,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। इससे पहले रिकॉर्ड सीपीएम के अनिल बसु के नाम था, जो 2004 के पश्चिम बंगाल के आरामबाग से 5,92,000 वोटों के अंतर से जीते थे।